ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा बोर्ड के 10वीं के नतीजे घोषित हो चुके हैं और परिणामों से प्रदेश बाग बाग हो गया। 10वीं के रिजल्ट में हरियाणा के कुल 57.39% छात्र पास हुए हैं। इन परीक्षाओं में 4 स्टूडेंट्स टॉपर रहे। बच्चों की कामयाबी से परिवार खुश और बच्चे उत्साहित। सफलता पर एक बधाई हरियाणा न्यूज की ओर से भी। मारी छोरिया छोरों ने कम है के दिल में जोश भर देने वाली ये लाइन है। जब सुनो तो मन को एक तसल्ली मिल जाती है और इस लाइन के मतलब को अब हरियाणा की बेटियों ने सच कर दिखाया है। आज हरियाणा बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसने प्रदेश को फिर से एक ऊंचे मुकाम पर जाने का सपना दिखाया। 57.39% रहे रिजल्ट में 4 स्टूडेंट्स ने टॉप किया, जिनमें से 3 हरियाणा की बेटियां थी, शालिनी, संजू और ईशा, जिन्होंने 497 अंक हासिल कर माता पिता के साथ साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। वहीं टॉप में नंबर 2 की पोजीशन पर तीनों लड़कियां हैं, जिनके नाम निधि, रितिका और तन्नु है। उनके 500 में से 496 नंबर आए हैं। तीसरे नंबर पर 10 छात्र हैं, जिनके 488 नंबर है। टीचर्स ने ना तो कभी प्रेशराइज किया और उनका समझाने का तरीका मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब तभी इतने अच्छे मार्क्स आ पाए जब टीचर्स ने इतनी हेल्प करी है, बहुत ज्यादा। चलिए, 3 बेटियों की बात तो हो गई, अब हमने चौथे टॉपर और देश के बेटे हिमांशु की बात कर लेते हैं। इस डिजिटल दुनिया के आगे आने की होड़ में सिर्फ बेटियां ही शामिल नहीं, झज्जर के बेटे हिमांशु ने भी 500 में से 997 अंक हासिल कर उन लोगों को झूठा ठहराया जो कहते हैं बेटे किसी काम के नहीं। सक्सेस का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा टीचर्स का है। मेरे टीचर्स ने पढ़ाई में बहुत हेल्प की है और वे हमें असाइनमेंट भी देते थे घर पे करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। और दूसरे नंबर पे मैं ना कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मेरे सक्सेस के लिए। मैं अपने भाई बहन के साथ पढ़ता था घर पे और मेरी कोई भी डाउट होती थी तो वे मेरी स्टडी में हेल्प करते थे। रिजल्ट आने के बाद से ही टॉपर्स के परिजनों में खुशी का माहौल है, हो भी क्यों ना, पूरे साल की मेहनत जो रंग लाई है। हरियाणा न्यूज आगे भी इसी तरह बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।